हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पे, इंडिया के नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल लवानिया सर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आपके लिए मेंसुरेशन की दो शानदार ताबड़तोड़ धमाकेदार ट्रिक्स लेकर। तो आज मेंसुरेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके CHSL के लिए, NTPC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विद इन सेकेंड आप उन क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे बाई यूजिंग दिस पर्टिकुलर ट्रिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज के सेशन का है हमारा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है अ रेक्टेंगुलर शीट। एक रेक्टेंगुलर शीट है मेटल की। अब रेक्टेंगुलर शीट है तो लेंथ और विड्थ होगी 40x15 की शीट है। इसमें इक्वल स्क्वायर 4 सेंटीमीटर के कट ऑफ करने हम कॉर्नर से 4-4 सेंटीमीटर के आपने स्क्वायर यानी कि वर्गाकार टाइप के आकृतियों को काटा और बाकियों को फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने से एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। फोल्ड करने से एक खुला हुआ एक बॉक्स बन गया। तो उस बॉक्स का वॉल्यूम बताना है क्या होगा, कुछ नहीं करना। 4-4 सेंटीमीटर के कांटे हैं ना, डायरेक्ट आप वॉल्यूम बता सकते हो। तरीका सुनना क्या करना है। 40 दिया है, 40 में से 4 का दोगुना 8 माइनस करो मल्टीप्लाई, 15 में से 4 का दोगुना 8 माइनस करो और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी हो जाएगी, 4 ही रहेगी। यह आ गया तो 32 × 7 × 4 सीधे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ जाएगा 896। यह आ गया आंसर, दैट्स इट, खत्म। जब भी ऐसा आए कि ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया हुआ है, जितने सेंटीमीटर के कट ऑफ करिए ना स्क्वायर, उसका डबल माइनस कर दो। 40 में से 4 का डबल 8 माइनस करा, 15 में से 4 का डबल 8 माइनस करा और एक जो हाइट रहेगी वो एज इट इज रहेगी क्योंकि ऊंचाई तो सेम रहेगी फोल्ड करने के बाद। तो 32 × 7 × 4 896 हो जाएगा। कोई फिगर बनाने की किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, आंसर आएगा 896। क्लियर। एक और क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है नीचे PQRSTU, मतलब एक फिगर दिया है और ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, और इसकी प्रत्येक साइड 12 सेंटीमीटर, मतलब ये प्रत्येक साइड 12 दी हुई है, ये 12 लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द ट्राइंगल SQU। SQU कुछ नहीं करना। जब भी क्वेश्चन में पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और उसमें मतलब हेक्सागन लेके चलना है और उसमें डायगोनल की बात आएगी, कुछ नहीं करना। डायगोनल हो जाएगा 12√3, ये भी 12√3 और ये भी 12√3। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट कैलकुलेट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, कोई नो नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग, ठीक है, निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे सर, आपको पता है एंगल की वैल्यूज, एंगल को रिलेट करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आप याद रख लो, मान लो ये साइड 6 होती तो 6√3 हो जाता, 5 होती 5√3 हो जाता, 3 होती 3√3 हो जाता, ये आ गया। प्रत्येक साइड 12√3 है, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा है, SQU, यही तो पूछा है, √3/4 साइड स्क्वायर, यही होता है। तो √3/4 साइड आपकी कितनी है, 12√3 × 12√3, 4 से कट गया 3, 12 36, 36 × 3 108, तो 108√3 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी पे जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कुछ नहीं करना, सारी साइड्स 12 थी क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है। इसके बाद जो डायगोनल चाहिए थे, इन तीनों के डायगोनल सेम होंगे क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं, तो 12√3 12√3 12√3, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड आपकी 12√3 है, मल्टीप्लाई करेंगे दो बार, आंसर आएगा 108। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन। बहुत प्यारी ट्रिक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले दो बार देखा गया है, एक बार CPO के पेपर में, एक बार CGL के पेपर में, तो मे भी हो सकता है अपने को आगे भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा हाउ वॉज द सेशन, ठीक है। इसके बाद मैं बता देता हूँ कि सुबह 9:15 CHSL और NTPC की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है अनअकैडमी पे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो प्रबल लवानिया नाम से मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो करके। 1:30 मेरा SSC का रैंकिंग बैच चल रहा है जिसमें एलजेब्रा चल रहा है और उसको आप ज्वाइन कर सकते हो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। और ये मेरे यूट्यूब का शेड्यूल है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, ये पेड बैच रहेगा अर्थमेटिक का और एडवांस का, जिसमें अर्थमेटिक से शुरुआत कर रहा हूँ मेंसुरेशन ज्योमेट्री और एलजेब्रा के साथ, ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो।
अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक ज़रूर करेगा, कमेंट करेगा और सेशन को शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।